तो लास्ट क्लास में एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड किया था, अभी उसके आगे वाले क्वेश्चंस। एक सेकेंड, ये क्वेश्चंस इन्वेंटरी टेकिंग बेसिकली, इसमें क्या होगा देखो, वो आपको बताएगा ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी थी, परचेजेस कितनी हुई, कितने एक्सपेंसेस हुए, कुछ डायरेक्ट होंगे कुछ इनडायरेक्ट लिखे होंगे। फिर वो आपको सेल्स भी बता देगा, और उसके बाद नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देगा जीपी से रिलेटेड, क्योंकि सेल्स इसमें यूज नहीं आती, इसमें सीओजीएस यूज आता है, तो हम सेल्स में से जीपी माइनस करेंगे तभी सीओजीएस पे पहुंचेंगे। बेसिकली यहाँ पे क्या क्राइटेरिया फॉलो होगा, क्राइटेरिया ये फॉलो होगा कि आपके पास जितने गुड्स हैं उसमें से आप माइनस कर दोगे, जो आपके पास जो आपने बेच दिए हैं वो आप माइनस कर दोगे, तो आप किस पे अराइव कर जाओगे, क्लोजिंग स्टॉक पे। तो हमें बेसिकली ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था कि जो आपके पास जो भी आपके पास गुड्स हैं वो आप निकालते कैसे हो, वो आप ऐसे निकालोगे, एक सेकेंड रुको, आप क्या करोगे देखो, मेरे पास एक साल में कितने गुड्स टोटल आए, कुछ तो ओपनिंग स्टॉक से आए होंगे, तो मैं ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखूंगा जो पिछले साल से आ रही है मेरे पास, ओपनिंग स्टॉक लिखा। इसमें क्या करोगे, इसमें आपने इस साल जो खरीदे वो परचेज ऐड कर दोगे। अभी जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसकी वैल्यूएशन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड होते हैं, जो भी इन्वेंट्री को उसकी प्रेजेंट कंडीशन तक लाने के लिए नेसेसरी थे वो सारे एक्सपेंसेस ऐड होते हैं। तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अब इन तीनों के सम से तो हमें ये मिल जाएगा कि टोटल गुड्स हमारे पास इस साल कितने आए, बच कितने गए, ये कैसे निकलेगा, इसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीओजीएस, हमने कितने रुपीस के गुड्स बेच दिए। अगर मैं ये कर दूंगा तो फिर निकल आएगा कि कितने गुड्स बच गए। अब सीओजीएस क्वेश्चन सीधा देगा नहीं, सीओजीएस क्वेश्चन दे देगा आपको सेल्स दे देगा और जीपी दे देगा। तो हम क्या करेंगे, सीओजीएस निकालने के लिए हम ये कर लेंगे सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये करेंगे तो सीओजीएस आ जाएगा, बस हमें ये करना है और हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगा। ये फिगर लिखी, इसको माइनस किया इसमें से, और आपका यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा जो भी फिगर होगी। हालांकि इसमें एक एक दो चीजें और हो सकती हैं, ये बेसिक, ये बिल्कुल बेसिक है जो मैंने लिखा है। इसमें ये भी हो सकता है कि इसमें कोई एबनॉर्मल आइटम हो, वो क्या होती है वो जब क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे। पर ये आपको मेथड समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आया कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, इसमें कोई डाउट है? ठीक यस सर, है, अभी अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एसर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2020। क्लोजिंग वैल्यू, क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो इन्वेंट्री एज ऑन 1/4/2019, ओपनिंग इन्वेंट्री थी 142,500, ये कॉस्ट पे ही होती है, जो इन्वेंट्री होती है हमेशा कॉस्ट पे लिखी होती है। तो आपके पास 1,42,500 की कॉस्ट वाली इन्वेंट्री पहले से थी, जो इस साल आपको पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होके मिली। इस साल आपने और परचेजेस कर ली 762,500। फिर इसमें नीचे जो भी एक्सपेंसेस हैं उसमें से हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई करके उसमें ऐड कर देंगे, तो ये टोटल हो जाएगा कि आपके पास कितने की इन्वेंट्री इस साल आई। ठीक है, तो इसको पहले लिखते हैं। नीचे की जो लाइंस है जिसमें अबनॉर्मल इन्वेंट्री ये सब है, इसकी ट्रीटमेंट लास्ट में करेंगे, जगह छोड़ देंगे उसके लिए, पर पहले जितना अभी समझ आता है वो लिखते हैं। तो ये है इलस्ट्रेशन 8। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री,
और हम कर क्या रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31/3/2020। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी कितने की है, 142,500 की। या इसको ना इनर कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। और आपने इस साल परचेज किया 762,500 का, तो इसमें परचेज ऐड करेंगे हम। एक ना एक लाइन का स्पेस छोड़ना, वो क्यों छोड़ रहे हैं वो बाद में समझ आ जाएगा, अभी आप बस थोड़ा सा गैप दे करके परचेज ऐड करना। 762,500, ठीक है। और अब ये जो एक्सपेंसेस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल चार्जेस, हमें इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करना है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस ही रिस्पॉन्सिबल होता है इन्वेंट्री को उसकी प्रेजेंट लोकेशन तक ले जाने के लिए, इनडायरेक्ट तो उसको बेचने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डायरेक्ट ही रिस्पॉन्सिबल है इन्वेंट्री को, जो भी उसकी प्रेजेंट लोकेशन है या कन्वर्जन चार्जेस, ये सब डायरेक्ट ही होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल चार्जेस में से डायरेक्ट कौन कौन से हैं? सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग तो इनडायरेक्ट है क्योंकि ये सेल करने के लिए काम होता है, सेलिंग एक्सपेंस का नाम ही है। एडमिनिस्ट्रेटिव भी ऑफिस का खर्चा है, फैक्ट्री का नहीं है, हम फैक्ट्री के खर्चे ढूंढ रहे हैं। और फाइनेंशियल चार्जेस भी इनडायरेक्ट है, तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 150, उसको इसमें ऐड कर दो। ठीक है, ये अभी इसका टोटल नहीं करना, ठीक है। ये तो हम अपर कॉलम जो है, जो हम अभी क्या निकाल रहे हैं, टोटल इन्वेंट्री, टोटल गुड्स हमारे पास कितने थे इस साल। अब निकालेंगे कि कितने इसमें से बेच दिए। तो बेचने से पहले ना अब एक चीज देखने की जरूरत है। देखो बेचना कैसे निकालना है, आपको सेल्स दिया लास्ट लाइन में 1245, नीचे जीपी का रेट दिया होगा लास्ट लाइन में। देखो द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% ऑन सेल्स। अगर मैं 20% माइनस कर दूं सेल्स में से, 20% ऑन सेल्स या जीपी, तो मैं सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे आ जाऊंगा, उसे माइनस कर दूंगा तो निकल आएगा क्लोजिंग स्टॉक, जितना मेरे पास इस साल आया माइनस जितना मैंने बेच दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। पर एक चीज है, ये लास्ट लाइन देखो, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2019, मतलब जब ओपनिंग इन्वेंट्री वैल्यू हो रही थी, अ सम ऑफ 17,500 वॉज रिटर्न ऑफ फ्रॉम अ पर्टिक्यूलर आइटम विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर 50,000। एक आइटम थी कोई कोई पर्टिक्यूलर चीज जिसमें से हमने 17,500 राइट ऑफ किए थे। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, वैल्यू कम किया था, मतलब इतनी वैल्यू उसकी कम की थी, और वो हमने खरीदा कितने का था, 50,000 का। एक चीज मैंने 50,000 की खरीदी होगी पिछले साल, और उसमें से 17,500 राइट ऑफ कर दिए थे, ठीक है, मतलब 17,500 उसकी वैल्यू कम कर दी थी, एंड वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 45,000। इस साल ये चीज 45,000 की बिकी है, ठीक। बारिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम, बारिंग का मतलब इसे छोड़ करके, इस ट्रांजैक्शन को छोड़ करके बाकी सारे गुड्स 20% ऑन सेल्स पे बिके हैं, ये जीपी है। अब देखो, अगर हमारे नॉर्मली सारे गुड्स एक सर्टन जीपी हम ऐड करके बेचते हैं, ठीक है, मेरे पास 10 चेयर्स हैं, वो 10 में से 9 चेयर्स मैंने बेची 10% प्रॉफिट पे, पर एक चेयर जो थी ना, 9 चेयर तो मैंने बेच दी 10% प्रॉफिट पे, एक चेयर थी जिसमें कुछ डिफेक्ट था, वो उसकी पॉलिश खराब थी या कुछ भी था जो मैं ठीक नहीं कर पाया, इस वजह से उस चेयर को भी मैं सेम प्राइस पे तो बेच नहीं पाऊंगा क्योंकि वो तो खराब है, डिफेक्टिव है। तो मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर चेयर को मे बी उतने जीपी पे ना बेच पाऊं, मे बी कॉस्ट पे ही बेचना पड़े, या मे बी लॉस में भी बेचना पड़े कि जितने की मैंने खरीदी आज उतने में भी कोई नहीं खरीद रहा क्योंकि डिफेक्टिव है। हालांकि प्राइस क्यों ऊपर नीचे हो रहा है, डिफेक्ट के अलावा और भी रीजन हो सकते हैं, पर ऐसी आइटम को कहते हैं एबनॉर्मल आइटम। हम नॉर्मली एक सर्टन जीपी फॉलो करते हैं कि हम हर चीज को इतने परसेंट जीपी पे बेचेंगे,
पर कोई कोई चीज को हम नहीं बेच पाते, उसका रीजन कुछ भी हो, प्राइमरी रीजन हो सकता है कि डिफेक्टिव है, या कुछ और भी रीजन हो सकता है, बट मेन रीजन डिफेक्टिव है. वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द रीजन. आपको बस ये समझना है, कोई भी ऐसी चीज जो कि जो स्टैंडर्ड प्रॉफिट हम फॉलो करते हैं उस पे नहीं बिकती, उसे क्या कहते हैं? एबनॉर्मल आइटम. अब प्रॉब्लम ये है, देखो मेरी सेल्स है 12,45,000 की, ठीक है? अब ये 12,45,000 में अगर मैं 20% माइनस कर दूं, तो मैं ये मान रहा हूं कि सारी चीजें मेरी 20% प्रॉफिट पे बिकी थी, पर ये गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक सेल ऐसी है 45,000 की जिस जो जो 20% जीपी पे नहीं बिकी. क्वेश्चन भी यही लिख रहा है ना कि बारिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू दिस आइटम, इस आइटम को छोड़ के बाकी की सारी चीजें मेरी कितने पे बिकी हैं? 20% प्रॉफिट पे. तो अगर मैं ऐसा कर दूं, सीओजीएस निकालने के लिए मैं 12,45,000 में से माइनस कर दूं इसका 20%, तो मैं गलत कर रहा हूं. क्यों? क्योंकि एक आइटम है जिसने ये 20% वाला रूल फॉलो ही नहीं किया. ये बात समझ में आई आप सबको? अब वो कितनी सेल है जिस सेल ने इस 20% वाले रूल को फॉलो किया है? देखो 12,45,000 की टोटल सेल है, उसमें से एक सेल हुई थी 45 की, जो कि एबनॉर्मल आइटम की थी. तो 12,45,000 में से 45,000 वाली सेल एबनॉर्मल आइटम की थी. अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो बाकी 12 लाख तो सारा 20% जीपी फॉलो कर रहा है ना. बात समझ में आई? ठीक है, तो हम सीओजीएस निकालेंगे कैसे? आप सबसे पहले यहाँ लिखो, यहाँ माइनस करने के लिए लिखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सीधा तो दिया नहीं है, ऐसे निकालना है कि सेल्स जो कि है 12,45, सबसे पहले सेल्स में से एबनॉर्मल आइटम की सेल माइनस करो. सीधा 20% माइनस नहीं कर सकते, अभी इसमें से माइनस करो सेल ऑफ एबनॉर्मल आइटम. वो है 45,000 की सेल. हम कितने पे आ गए? 12 लाख पे. अब इस 12 लाख में से 20% माइनस कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारी आइटम्स तो 20% जीपी ऑन सेल्स पे ही बिकी थी. अब इसमें से लेस कर दो जो जीपी है, 2,40,000 जीपी एट द रेट 20% ऑन सेल्स, यही सेल्स हैं, तो ये 240 हो गया. तो मेरा सीओजीएस कितना आ गया? 960. ये 960 माइनस हो जाएगा ऊपर से. ये बात सबको समझ में आई क्या? यस सर. किसी को इसमें डाउट है? ये 960 को मैं आउटर कॉलम में लिखता हूं. पर अभी एक चीज और करनी बाकी है. देखो अगर आपने एबनॉर्मल आइटम की सेल को सेल से अलग किया है, एबनॉर्मल आइटम की सेल को हमने टोटल सेल से माइनस किया, तो एबनॉर्मल आइटम की कॉस्ट भी तो यहां से हटानी पड़ेगी. ऐसा तो है नहीं कि मैं एबनॉर्मल आइटम की कॉस्ट को ऊपर प्लस कर सकता हूं पर उसकी सेल नीचे कंसिडर नहीं करूंगा, फिर तो गलत हो जाएगा. अगर आप एबनॉर्मल आइटम की सेल को कंसिडर नहीं कर रहे, आप उसे हटा रहे हो, तो एबनॉर्मल आइटम की कॉस्ट को भी तो हटाना जरूरी है. वो कॉस्ट भी तो इसी में इंक्लूडेड होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री या परचेज में. अगर हम माइनस करेंगे तो उस चीज की कॉस्ट भी अलग करेंगे और उस चीज की सेल्स भी. सेल्स तो हमने अलग कर दी एबनॉर्मल आइटम की, अब आपने उस एबनॉर्मल आइटम की कॉस्ट अलग करनी है. ये एबनॉर्मल आइटम आपकी बुक्स में कितनी कॉस्ट पे रिकॉर्डेड थी? आपने इसको खरीदा था 50 का, यहाँ लिखा है ना, विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर 50. तो आपने जब इसको खरीदा 50,000 का रिकॉर्ड कर लिया होगा कॉस्ट, पर पिछले साल ओपनिंग इन्वेंट्री में आप 17,500 इसके राइट ऑफ भी कर चुके हो. मतलब 50 में से 17,500 तो तुम वैल्यू कम कर चुके हो. आज कितनी वैल्यू पे है ये आपके पास? 32,500 है आपके पास इसकी कॉस्ट. तो इसकी कॉस्ट को भी माइनस करेंगे हम टोटल कॉस्ट में से. ये बात सबको समझ में आई? सबसे पहले तो हमने इसकी कॉस्ट निकाली कैसे? हमने ऐसे निकाली, हमने इस चीज को 50,000 का खरीदा था, तो मैंने 50,000 का ही रिकॉर्ड किया होगा. पर पिछले साल मैंने उसमें से 17,500 राइट ऑफ भी कर दिए, तो 50 में से 17,500 राइट ऑफ करके वैल्यू क्या बची होगी मेरे पास? 32,500. ये 32,500 होगा मेरे ओपनिंग इन्वेंट्री में इंक्लूडेड, क्योंकि पिछले साल से आ रहा है. तो आप अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री में से माइनस कर दोगे कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइटम.
अगर इसी साल खरीदी होती है अबनॉर्मल आइटम तो मैं परचेज से माइनस करता, या आप लास्ट में भी माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मतलब कहीं से भी माइनस करो, आपको यहाँ से माइनस करना है कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइटम। हमने एबनॉर्मल आइटम की सेल माइनस करनी है पहले, फिर जो वैल्यू बचेगी उस पे जीपी माइनस करना है। हम 1245 पे जीपी नहीं निकालेंगे, हम 12 लाख पे निकालेंगे, और सेम हमने इसकी कॉस्ट भी माइनस करनी है। क्या डाउट है सही? हम सर जैसे यहाँ पे बारिंग वाली लाइन लिखी थी, अगर ये लाइन ना लिखी होती तो वो जिस लॉस पे बिकी है उसे हम प्लस करते हैं ना सीओजीएस निकालने के लिए, फिर नहीं, क्या वो करते? बारिंग वाली लाइन सीओजीएस, वो बारिंग वाली लाइन का क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि ये आइटम 20% वाले रूल पे नहीं बिकी। अगर यहाँ लिखा होता कि ये आइटम भी 20% वाले रूल पे बिकी है तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं, फिर तो ये नॉर्मल सेल है, फिर ये नॉर्मल आइटम थोड़ी बनती है। अगर यहाँ बारिंग वाली, तो फिर ये अलग से लिखता ही क्यों? वो ये अब नॉर्मल आइटम है तो यही तो लिखेगा कि इस आइटम के अलावा बाकी सारे 20% पे बिके। अगर वो लिख दे कि नहीं ये आइटम भी 20% पे बिकी, तो फिर तो ये अब नॉर्मल बनती नहीं, फिर तुमने इसका कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो लेकिन हम इसे नॉर्मल क्यों ट्रीट कर रहे हैं? इससे अच्छा जिस लॉस पे वो बिके उसे प्लस नहीं कर देना चाहिए सीओजीएस के लिए? वो दो दो अलग अलग मेथड है करने के। तुम उस मेथड से क्यों करना चाहते हो? उस तो फिर तुम निकालोगे कैसे अपना जीपी बाकी पे? इसका लॉस तो तुम्हें सीधा सीधा दिख जाएगा, बाकियों का जीपी वो कैसे निकालोगे? उसके लिए तो यही करना पड़ेगा, 12 लाख में से 45,000 माइनस करो फिर निकालो। तो सीधा ऐसे करो, वो बड़ा अलग सा, वो जो आप कह रहे हो उस मेथड से भी आंसर आएगा, पर वो बहुत लंबा हो जाएगा, उसको क्यों करना है? हम सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि हम इसकी सेल भी हटा रहे हैं, हम इसकी कॉस्ट भी हटा रहे हैं, हमने इस चीज को ही अपने कैलकुलेशन से बाहर कर दिया, तो आंसर आ जाएगा आपका। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइटम माइनस करने के बाद ये आता है 110। अब आप ऐड कर दो 110 प्लस 6 762 प्लस 150, क्या टोटल आया इनका? N 22,000। तो ये 1022 माइनस 960 क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू। सिक्सटी टू थाउजेंड यहाँ चेक करते हैं, 62,500 हमने क्या गलत लिखा है? सर ऊपर वो जो 1025 हाँ है, वो 1025 फिर 500 भी है, 10,22,500। मैं को ना खुद, या तो क्या यार, आप सब कैलकुलेटर यूज करते हो फिर मेरे को गलत आंसर कैसे दे देते हो? ठीक है, ये 500 का कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था इधर। तो हमने बेसिकली क्या करना है, दोबारा से देखो, एक चीज तो समझ आती होगी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, इससे निकल जाता है कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स जो कि इस साल हमारे पास आए, उसमें से माइनस कर देंगे सीओजीएस, तो आ जाएगा कितने बच गए, बड़ी सिंपल सी बात है। बट उसमें एक प्रॉब्लम बस ये आ जाती है कि अगर कोई अबनॉर्मल आइटम है, ऐसी आइटम जो कि वो रूल फॉलो नहीं करती जो स्टैंडर्ड सेल, हम हर चीज को 20% पे बेचते हैं, तो मैं सेल में से 20% माइनस करके सीओजीएस पे आता हूँ, पर एक चीज बिकी नहीं थी 20% पे, तो उसको पहले इस कैलकुलेशन उस सेल में से माइनस करने की जरूरत है। अगर कोई एबनॉर्मल आइटम है, उस आइटम का सेलिंग प्राइस आप सेल में से माइनस करोगे, फिर उसमें से जीपी सब्ट्रैक्ट करोगे कैलकुलेट करके, और सिमिलरली जो आप परचेजेस ऊपर टोटल निकाल रहे हो, जिसे इसे कॉस्ट ऑफ परचेज कहते हैं, इसमें से भी आप उसकी बुक वैल्यू माइनस करोगे जो आपके पास रिकॉर्डेड है। कॉस्ट नहीं माइनस करनी है, याद रखना कॉस्ट तो 50,000 थी, पर मैं 50,000 क्यों नहीं माइनस कर रहा, क्योंकि मेरी बुक्स में उस दिन वो 50 की थी ही नहीं, 50 में से 17,500 मैं पहले राइट ऑफ कर चुका था, तो मैं बुक वैल्यू माइनस करूंगा। बुक वैल्यू का मतलब होता है आज के दिन ये मेरे बुक्स में है कितने की, खरीदी 50 की थी पर 17,500 तो आपने राइट ऑफ कर दिया था, तो बची कितने की, 32,500। ठीक है, कोई डाउट? सर एक डाउट था, जैसे सर आपने बोला था कि अगर ये 70,500 का राइट ऑफ वाला नहीं दिया होता हाँ। तो हम परचेजेस में से माइनस करते। नहीं मैंने ये कहा था, ये आइटम आपने कब खरीदी थी?
पिछले साल खरीदी थी ना, इसलिए ओपनिंग स्टॉक से माइनस कर रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूडेड होगी। परचेजेस में से कब माइनस करेंगे? अगर इसी साल खरीदी होती तो इस साल की परचेज में होती। हालांकि आंसर सेम ही आएगा, आप वहां से माइनस करो, वहां से माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A trader prepared his accounts on 31 March. Itna due to some unavoidable reason, no inventory could taking could be possible till 15 April. On which date the cost of goods sold in his godown came down to 5? Okay, the cost of goods in his godown came to 5 lakhs. The following facts were established between 15 March and 15 April. Ye question alag hai. Ye question alag kaise hai? Dekho. इन्वेंट्री की काउंटिंग किस दिन होती है? इन्वेंट्री तो 31 मार्च को काउंट होती है क्योंकि बैलेंस शीट 31 मार्च की बन रही है। अगर मैं 31 मार्च को नहीं काउंट कर पाया इन्वेंट्री, लेट कभी कर रहा हूँ, तो उस दिन तो इन्वेंट्री बदल चुकी होगी क्योंकि उस दिन तक हो सकता है और गुड्स आए हो, या उस दिन हो सकता है कुछ गुड्स मेरे बिके भी हों। तो मेरी बात समझो, देखो 31 मार्च को क्या हुआ कि इन्वेंट्री हम नहीं गिन पाए। अब हम गिन पाए हैं 15 अप्रैल को। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर आपने 15 अप्रैल को आया गुड्स की, आपके पास गुड्स थे 5 लाख रुपीस के, ठीक है, पर ये तो 15 अप्रैल को है, मेरे को तो 31 मार्च की फिगर चाहिए। अगर मैं आपको बोल दूं कि 31 मार्च और 15 अप्रैल के बीच में आपने 1 लाख के गुड्स और खरीदे हैं, यहां आपने 1 लाख के गुड्स खरीदे 15 अप्रैल को, 5 लाख की टोटल इन्वेंट्री थी, तो 31 मार्च को क्या रहा होगा? 4 लाख, ठीक है। आपने क्या किया, 5 में से 1 माइनस कर दिया, है ना? आपने यही किया कि आपने 31 मार्च में से 5 लाख माइनस कर दिया, सिंपल सी बात है। देखो इस पॉइंट पे बस इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी मान सकते हैं, ऐसे अज्यूम कर सकते हो, तुम्हारे लिए ये ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाती है और ये तुम्हारे लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाती है। अगर हम इन्हीं डेट्स को कंसिडर करें तो आपको निकालनी है ओपनिंग। आपके लिए तो जो आपके इस क्वेश्चन में ओपनिंग है, एक्चुअली रियल ईयर में तो वही क्लोजिंग थी ना 31 मार्च की, तो आप बस फॉर्मूला उल्टा कर दो। देखो हम क्या करते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज, हमने ऊपर क्या किया था, हमने ऊपर यही किया था ना, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस जो इस टाइम इनकर हुए माइनस COGS इज इक्वल टू क्या आता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब तुम्हारे लिए ये जो क्लोजिंग है ये 15 अप्रैल वाली है, ये तुम्हें दी है, पर तुम्हें ये थोड़ी ना चाहिए, तुम्हें तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में के लिए जो ओपनिंग है वो चाहिए, वो 31 मार्च वाली है। ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये भी दिया है, दिया है या निकालना है तो ओपनिंग निकालनी होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो ओपनिंग निकलेगी एक्चुअली वही तो 31 मार्च ईयर की क्लोजिंग थी। समझ गए क्या, सब समझ गए क्वेश्चन कैसे करना है? वापस समझाना संयम, इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी? होनी चाहिए होगी और क्यों नहीं। हाँ तो होनी चाहिए और होगी में डिफरेंस होता है, ऑब्वियसली होगी, होनी चाहिए नहीं, होती है। अब आपको 31 मार्च की इन्वेंट्री निकालनी है क्योंकि आपको एक्चुअली पिछले साल की क्लोजिंग निकालनी है, पर इस साल तुम इन्वेंट्री 31 मार्च को गिन ही नहीं पाए, तुमने गिना 15 अप्रैल को, तुम 15 अप्रैल वाली इन्वेंट्री को क्लोजिंग मान लो और 31 मार्च वाली को ओपनिंग मान लो। आपको 15 अप्रैल की इन्वेंट्री दी है, आपको उल्टा जाना है 31 मार्च तक, तो इस फॉर्मूला में ओपनिंग नहीं है ना तुम्हारे पास, अगर आप 15 अप्रैल को क्लोजिंग गिनते हो और 31 मार्च को ओपनिंग। तो आप बस सिंपल ये करो, आप वैल्यूज पुट कर दो, 31 मार्च की इन्वेंट्री अपने आप निकल आएगी। बात समझ में आई? सर मतलब एक तरीके से 15 दिन का साल लगा के चल रहेगा। हाँ आप 15 दिन का साल मान लो अपना और उसमें क्लोजिंग दी है, पर मेरे को चाहिए ही नहीं 15 अप्रैल की इन्वेंट्री, मेरे को तो 31 मार्च की इन्वेंट्री चाहिए। तो इस केस में जो ओपनिंग है निकाल, मैं एक तरीके से क्लोजिंग ही रहा हूँ, पर उसका नाम ओपनिंग है क्योंकि हम आगे का टाइम कंसिडर कर रहे हैं, पीछे का नहीं। ये क्वेश्चन क्या है, आपको पीछे का डेट पिछले साल का नहीं दिया, उस वो साल खत्म हो चुका है, अब आप आगे पहुंच गए हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस साल का डेटा दिया है, सब माइनस करके ओपनिंग पे पहुंच जाएंगे, इस साल की ओपनिंग पिछले साल की क्लोजिंग होगी, बस क्वेश्चन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में फिगर्स डालते हैं। देखो ये देखो,
ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन नो इन्वेंट्री टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15 अप्रैल ऑन विच डेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन हिज गोडाउन केम टू 5 लाख 15 अप्रैल को कितने की इन्वेंट्री है कॉस्ट ऑफ गुड्स 5 लाख 5 लाख तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये आपके लिए है ना 15 अप्रैल yes, आपके तो आप यहाँ 5 लाख लिखो इस अमाउंट को ठीक है ओपनिंग तो है ही नहीं मेरे पास तो मैं ओपनिंग को ओपनिंग ही लिख देता हूँ हालांकि जो हम ओपनिंग निकाल रहे हैं पिछले साल का क्लोजिंग वही है ठीक है मैं अभी इसको सिंपल तरीके से करा रहा हूँ एग्जैक्ट फॉर्मेट मैं आपको बता दूंगा लास्ट में पहले समझ जाओ करना क्या है अब जो परचेजेस हैं इंक्लूडिंग कैश परचेज क्या इससे कोई फर्क पड़ता है ये कैश और क्रेडिट में बाइफरकेशन दे रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता हम तो टोटल परचेज ही लिखते हैं तो सर लिखा क्यों कंफ्यूज करने के लिए ये कैश परचेज का कोई रोल नहीं है क्वेश्चन में सर डिस्काउंट होता तो माइनस करते थे हाँ मतलब अगर कुछ और परचेज रिटर्न होता तो माइनस कर देते कुछ ऐसा होता तो माइनस करते पर इसमें क्या माइनस करना परचेज आपका कितना है 50,340 तो उसको प्लस कर दो 50,340 को ठीक है कोई डायरेक्ट एक्सपेंस मेंशनड है कुछ भी मेंशन नहीं है तो छोड़ दो अब माइनस करना है COGS COGS कैसे निकलता है सेल्स माइनस जीपी देखो पहले तो सेल्स है 4,10,000 उसमें कैश सेल 1 लाख की है ये कैश सेल कैश परचेज का कोई रोल ही नहीं है वो कंफ्यूज करने के लिए लिखा है उसको छोड़ रिटर्न माइनस कर हाँ थर्ड पॉइंट में है रिटर्न तो आपने माइनस करना है तो सेल्स कितनी हो गई 4 पर मेरे को सेल्स नहीं चाहिए मेरे को तो COGS चाहिए गुड्स सोल्ड बाय द ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स तो COGS क्या हो जाता है COGS होता है सेल्स माइनस हमारा जो प्रॉफिट है क्या बोला आपने 320 हाँ मतलब तुम COGS yes, करो इसमें से GP माइनस करो 20% ऑन सेल्स 80,000 तो 5 लाख इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस 50,340 माइनस 3,20,000 इसको कैलकुलेट करो आपके इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी अंकित तुम्हारा तो मैं क्रॉस वेरीफाई करूंगा ही एक बार रुको तुम सही है सर अब अभी रुको तुम कोई बात नहीं फिर भी मैं खुद से करूंगा पिछली बार मैंने तुम्हारी बात सुन के लिखा था अरे सर वो मैंने 500 उस पे लिख दिया था लिखा नहीं था कॉपी पे यही बोला आपने यस सर आंसर देखो 769,660 समझ गए क्वेश्चन कैसे करना है समझ गए यस सर संयम ये क्या इमोजी बनाया आपने सर सॉरी मैं बट मैं देख रहा था कुछ नया फंक्शन था मुझे नहीं पता था दिखेगा आप लोगों को अच्छा अभी इन्होंने इसको क्या किया इन्होंने इस चीज को थोड़ा फैंसी तरीके से लिख दिया इन्होंने क्या किया देखो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हमने बेसिकली क्या किया है हमने यही तो किया ना ओपनिंग निकालने के लिए अगर मैं इसको दूसरी साइड ले जाऊं सारे को तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करो ओपनिंग को यहीं रखो और बाकी क्लोजिंग को इस साइड ले आओ मतलब ओपनिंग जो इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च है इसमें क्या हो गया परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस तो इन्हीं क्वेश्चन में तो छोड़ देते हैं परचेजेस माइनस COGS माइनस क्लोजिंग इन्होंने भी बस यही किया ये देखो इन्होंने जो COGS है उसमें से लेस कर दी परचेज हमारा भी बेसिकली यही था नहीं इन्होंने उससे पहले स्टॉक हाँ ये देखो ना ये इन्होंने स्टॉक लिखा क्लोजिंग स्टॉक प्लस COGS माइनस परचेज आप ऐसे कर लो और आपका आंसर आ जाएगा बात सेम ही है अच्छा सॉरी मैंने इक्वेशन ना गलत लिख दी क्योंकि ओपनिंग को यहीं छोड़ना है बाकी सबको दूसरी साइड लेके जाना है मतलब अगर ये फिगर चाहिए ये वाली फिगर तो इसको यहीं रखो बाकियों की साइड बदल दो तो ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट एक्सपेंस उधर नहीं परचेज उधर गया तो या पहले COGS प्लस COGS और माइनस परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रहा तो ये स्टॉक कैसे निकलेगा क्लोजिंग प्लस COGS माइनस परचेज इन्होंने इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया
सबसे पहले इन्वेंट्री एज ऑन 15 अप्रैल क्लोजिंग है ये, इसमें ऐड कर दिया COGS और फिर लेस कर दी उस ड्यूरेशन की परचेज, तो आ गया आपका 769660। बोलो अंकित। ये जो अभी फॉर्मूले से किया वो पेपर पे कर सकते हैं? देखो ये तुम रफ वर्क में कर सकते हो प्रेजेंटेशन, लेकिन यही है जो बुक में है, वैसे मत लिखना, मे बी एग्जामिनर को समझना है वो काट दे उसे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई सबको? आपको बस इस फॉर्मेट में लिखना है, लिख लेना, कोई ऐसा तो नहीं कि मैं लिख के बताऊं, सिंपल ये फॉर्मूला बन गया ना, तो क्लोजिंग पहले क्लोजिंग लिख दो, उसमें COGS जोड़ दो और परचेज माइनस कर दो वर्टिकल फॉर्म में, तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे टफ बोलो या क्या भी बोलो, कुछ भी बोलो, इस क्वेश्चन को देखो। During inventory taking for the year ended 31 March 2000 was completed by 10 April. Again, ये वो question है जहाँ जो inventory taking थी वो बाद में हुई, तो आपके पास बाद की stock दी हुई है, अब आपको पीछे आना है वापस। The valuation of which inventory showed a inventory figure of 1675 at cost. 10th April की inventory कितनी है? 1675,000। हमारे लिए अगर हम उस formula में डालें तो ये closing inventory हो जाती है। After the end of accounting year and till the date of completion of inventory taking, sales for the year made were itna. ठीक है, हमारे पास 68,750 की sales हुई हैं, profit margin being 33.33% on cost. तो अब COGS के लिए आपको पहले on sales आना पड़ेगा, उसको minus कर देंगे तो COGS आ जाएगा. Purchase for the next year included in inventory amounted to 9,000 at cost, less trade discount 10%. आपको से, आपको purchase भी दे दिया है, COGS भी है, purchase भी है. फिर आगे देखो, during this period inventories were added, goods were added to inventory at markup price of 3,000 in respect of sale return. इस point पे 3,000 की sale return भी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम सेल्स को नेट करके लिख देंगे। अगर ये 68,750 है तो हम सेल्स रिटर्न भी साथ ही में इसको अकोमोडेट कर देंगे, अलग अलग क्या करना। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वॉज फाउंड दैट देयर वर सर्टन वेरी स्लो मूविंग आइटम्स कॉस्टिंग इतना विच शुड बी टेकन एट 5250 टू एंश्योर डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर। देखो इन्वेंट्री जब हम निकाल लेंगे ना क्लोजिंग वाली अपनी, उसके बाद कुछ और एडजस्टमेंट भी है, वो कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंटरी में से इतना राइट ऑफ कर दो या इतना आप देख लो, तो वो हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, पहले एक बार क्लोजिंग इन्वेंटरी निकाल लें, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंटरी में से ये इतनी की एक फिगर है जिसे इतने पे वैल्यू करना है, पहले एक बार क्लोजिंग इन्वेंटरी निकाल लेते हैं अपने फॉर्मूले से, फिर जो एडजस्टमेंट है कर देंगे। तो ये है इलस्ट्रेशन 10। अगर सीधा बुक से सोल्यूशन देखोगे तो वो लास्ट में आपको समझ आ जाएगा कि क्या, पहले यहाँ से समझ लो। हम क्या फॉलो करते हैं, इस टाइम पे हमें निकालनी है ओपनिंग इन्वेंट्री, क्योंकि हम 31 मार्च और 15 अप्रैल की डेट्स कंसिडर कर रहे हैं, तो 15 अप्रैल क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है और 31 मार्च ओपनिंग, तो यही वाला फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग प्लस COGS माइनस परचेज, यही करना है हमने। तो सबसे पहले लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मतलब स्टॉक एज ऑन 10 अप्रैल है इसमें डेट। क्या स्टॉक था 10 अप्रैल को? 1675,000। ये दिखा सबको, ये फिगर लिखी है सेकंड लाइन में 1675,000। इसमें आपने क्या ऐड करना है? COGS। अभी COGS देखो, सेल्स, सेल्स माइनस जीपी। आपकी सेल्स कितनी है? 68,750, पर नीचे सेल रिटर्न भी दी है आपको। सेल रिटर्न कितनी है? 3000 की। तो इफेक्टिव सेल्स कितने, नेट सेल्स कितनी हुई? 65,750। मेरी सेल्स हो गई 65,750, या इसको भी ना थोड़ा डिटेल लिख देते हैं ताकि समझ आ जाए कैसे निकाला। COGS में आप लिखो पहले सेल्स 68,750, इसमें से माइनस कर दो सेल्स रिटर्न 3,000, तो ये हो गया
65,750. अब इसमें से माइनस करेंगे जीपी. अभी ये जीपी है 33.33% ऑन कॉस्ट. फ्रैक्शन में बताओ कितना कितना है कॉस्ट पे. 1/3 होगा. 1/3. 33.33% 1/3 होता है. अभी आपको जाना है ऑन सेल्स. कैसे क्या करते हैं ऑन सेल्स जाने के लिए. अगर जीपी ऑन कॉस्ट 1/3 है, ऑन सेल्स कितना है फिर. कितने बारी किया है ये हमने. अगर आपको जीपी करके उसके बाद उसका कॉस्ट का एक्स सेलेक्ट करके इक्वल टू में सेल्स रख लेंगे. हाँ आप एक्स से भी कर सकते हो. दो तरीके हैं. एक्स से कर लो, एक्स निकाल करके. अभी देखो एक तरीका ये होता है, अगर 1/3 ऑन कॉस्ट है और आपको जाना है जीपी ऑन सेल्स पे, तो आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करके लिखो. डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 1/4. किया है ना ये, बहुत बार किया है. मैंने ही कराया है बहुत बार इससे पहले तो. 12th में क्या किया क्या नहीं किया वो तो भूल ही जाओ. तो हम ऑन सेल्स पे जा क्यों रहे हैं, क्योंकि मेरे को सेल्स की फिगर दी है. अब मैं जीपी ऑन कॉस्ट को तो सेल्स की फिगर से मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा ना, इसलिए ये कर रहे हैं. दूसरा तरीका एक्स लेके होता है. ये तो रट्टा है, ये तो बेसिकली रट्टा है कि इसका 1/3 1/4. एक्स से अगर करना है तो ऐसे करेंगे. देखो कॉस्ट प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स, ये होता है. तो आपके पास कॉस्ट तो है नहीं, आपके पास कॉस्ट एक्स है, तो जीपी कितना है. जीपी है कॉस्ट का 33.33%. तो आप क्या करोगे, मतलब 1/3 हो जाता है, मतलब 1/3 ऑफ एक्स और इज इक्वल टू सेल्स. सेल्स आपको दी हुई है 65,750. इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो. कॉस्ट एक्स है, कॉस्ट निकल आएगी. कॉस्ट तो फिर वो जो गैप है वो जीपी होगा. आप चाहे ऐसे कर लो, आप चाहे ऐसे कर लो. ये ऐसा है कि छोटा है, बस एक बार ही 1/3 से 1/4 पे पहुंच गए, हो गया. इसमें इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करना है. समझने वाला तरीका एक्चुअली एक्स वाला ही है, रटने वाला तरीका ये ऊपर वाला होता है. कॉस्ट से सेल्स पे जाना है. अब जैसे यहाँ पे 1/2 होता और आपको जाना है जीपी ऑन सेल्स, तो कितना हो जाता है ये. अगर यहाँ 1/2 होता तो यहाँ कितना होता. 1/3. आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करके डिनोमिनेटर में लिख देना है बस. तो यहाँ पर माइनस कर दो जो आपका जीपी ऑन सेल्स है 1/4 ऑन सेल्स. तो माइनस जीपी और 1/4 है, होता कितना है 25% इंटू 100 कर दो. 25% हो गया ना, 33.33% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन सेल्स हो गया. तो जीपी एट द रेट 25% ऑन सेल्स. ये इसका 25% निकालते हैं. थर्टी एट कर देते हैं. ठीक है, हम एक सेकंड, पक्का सब ठीक लिख रहे हैं, क्योंकि ये एट ना गड़बड़ कर रहे हैं. इन्होंने ना इसको राउंड ऑफ किया है नियरेस्ट 10 तक. अभी जैसे ये 25% ऑन सेल्स प्राइस यहाँ लिखा है कि प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 33.3 मींस 25% ऑन सेल्स. तो 68,750 का अगर मैं 25% करता हूँ तो वो भी एग्जैक्टली 17190 नहीं आता. इन्होंने उसको 10 तक राउंड ऑफ कर दिया, तो हम भी चलो 10 तक ही राउंड ऑफ कर देते हैं. ठीक है, इसको 440 कर देते हैं. तो क्या आंसर आ जाता है. 49,310. ठीक है, चलिए 440 कैसे लिखा. आपका आंसर क्या आया था. 438. हाँ, तो नियरेस्ट 10 तक मैंने राउंड ऑफ कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन ने भी किया हुआ है, फिर आंसर मैच नहीं करेगा, बाद में प्रॉब्लम आएगी.
ठीक है, यहां तक आ गया हमारा आंसर। नीचे वाले पार्ट को इरेज कर देता हूं मैं। अब प्लीज इसको याद रखो, जीपी ऑन सेल से जीपी ऑन कॉस्ट पे कैसे आते हैं, या जैसे भी करना हो आप कर सकते हो। और इक्वेशन भी याद रखो कैसे बनती है, किसी भी तरीके से निकालो पर आंसर निकालो, इम्पोर्टेंट चीज ये है। तो हमारा जो स्टॉक है उसमें हम ये ऐड कर देंगे 49,310, ठीक है। फिर इसका टोटल क्या हो जाता है, 16,75,17,24,310। इसमें से माइनस क्या कर देंगे हम, देखो फॉर्मूला में क्या माइनस हो रहा है, परचेज, तो परचेज माइनस कर देंगे। परचेज है हमारी, परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री अमाउंटेड टू 90,000 एट कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। 90,000 लिखूं या 10% लेस करके लिखूं? सर 90। गलत सर, माइनस करके दे नहीं रखा ये तो एट, नहीं 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 आपको माइनस करना है। देखो इन्होंने भी परचेज क्या लिखा है, 89,000। हाँ ये कॉस्ट है आपको, तो इसमें से आपको 10% डिस्काउंट अभी लेस करना है, तो 81 आएगा। 91,000 इंटू 90%, क्योंकि 10% तो डिस्काउंट मिल गया, 90,000, तो ये हो जाता है 81,000। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया सबको? ये तो बेसिक उतना ही जितना पिछला क्वेश्चन था, इसमें तो अभी तक तो कुछ अलग आया नहीं। अब क्या आंसर आ जाता है, 16,43,310। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब आगे ध्यान रखना, यहां तक हमने कर दिया आफ्टर इन्वेंट। अब देखो यहाँ इस लाइन से देखो, After inventory taking, it was found that there were certain very slow moving items. Slow moving items का मतलब पता है क्या हमें? Slow moving items क्या होती हैं? ऐसी चीजें जो जल्दी नहीं बिकती, slow moving inventory, ठीक है? ज़्यादा use नहीं होती, ज़्यादा बिकती नहीं है, ऐसी चीजों को slow। अभी detail में inter CA intermediate में पढ़ेंगे, अभी बस ये समझ लो। अब इनकी इनकी कॉस्ट थी 11,250, क्या लिखा है, विच शुड बी टेकन एट 5,250 टू इंश्योर डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर। बेसिकली वो बोल रहा है आपके पास कोई चीज है 11,250 की, आपको उसको शुड बी टेकन एट 5,250, आपको उसको रिकॉर्ड करना चाहिए 5,250 पे। अभी कितने अमाउंट पे रिकॉर्डेड है, 11,250, और उसको किस अमाउंट पे लेके जाना है, 5,250। तो क्या करेंगे फिर, लेस कितना इनका डिफरेंस, 6,000 रुपीज, 6,000 रुपीज लेस कर देने चाहिए मेरे को, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर दो 6,000 रुपीज, डिक्रीज इन वैल्यू। देखो ये आपका स्टॉक आ चुका है वैसे 16,43,310 पर, वो कह रहा है अब ये चीजें करनी है, एक आइटम इतने की रिकॉर्डेड थी उसे इतने पे ले जाओ, तो बाकी क्वेश्चन तो सेम ही था, बस जो एडजस्टमेंट है वो बची है, जो वो कह रहा है स्लो मूविंग इन्वेंटरी। जो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड है वो सेपरेट वीडियो है, वो अलग से अपलोड लास्ट क्लास वाला कर दिया था, इस क्लास में वो नहीं है, ठीक है, वो तो उसी वीडियो में है, इसमें बाकी है। अब एक लाइन और लिखी है, ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टन गुड्स कॉस्टिंग 15,500 वर रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर। हमारे पास, हमने कोई सामान ऑर्डर किया था ताकि हमने उसे एक कस्टमर को डिलीवर करना था, ठीक है, तो वो सामान हमें कितना कॉस्ट कर रहा था, 15,500, पर जिस सप्लायर ने मेरे को देना था उसने मेरे को कस्टमर की डिलीवरी डेट के बाद ही दिया, बात समझ गए, मैंने किसी से कुछ खरीदा था उसको सप्लायर कहते हैं जिससे मैं खरीदता हूँ, और फिर मैंने इस चीज को एक कस्टमर को बेचना था। अब जैसे कस्टमर को मेरे को आज बेचना था 13 में, तो सप्लायर को तो मेरे को 13 में से पहले चीज दे दिया ना, तभी तो मैं कस्टमर को 13 में को दे पाऊंगा, और ये चीज मेरे को कितने की पड़ रही थी, 15,500, मगर सप्लायर ने मेरे को आज दी नहीं, 13 मे को दी नहीं, उसने बियॉन्ड द डेट ऑफ डिलीवरी मेरे को ये चीज दी है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, देखो
एज अ रिजल्ट, क्योंकि उसने मेरे को लेट दिया तो मैं कस्टमर को लेट दूंगा. द कस्टमर रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी. बात समझ गए? अब क्योंकि मैं, उसी ने मेरे को लेट दिया, मैं भी कस्टमर को लेट दूंगा, और कस्टमर ने डिलीवरी रिफ्यूज कर दी. उसे उसे एक सर्टन डेट पे चाहिए थी, मैंने खरीदी थी 15,500 की. अब द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ गुड्स वॉज एस्टिमेटेड टू बी 12,500. देखो, मैंने एक चीज स्पेसिफिकली एक कस्टमर के लिए मंगाई, वो उस कस्टमर ने नहीं ली. अब मैं इसको किसी और को कैसे बेचूं? मे बी ये कोई स्पेसिफिक गुड था जो इसी कस्टमर को चाहिए था, कोई और खरीदता ही नहीं, तो अब मेरे को इस चीज को सस्ते में किसी और को देना पड़ेगा. नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन इन मतलब एक तरीके से क्या होती है, मार्केट वैल्यू होती है. जो चीज आपके पास खरीदी आपने, ये इसकी कॉस्ट क्या थी आपके लिए? 15,500. और आज के टाइम पे इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? 12,500. आपने जैसे ही खरीदा होगा, कॉस्ट तो आपने रिकॉर्ड कर ली होगी. आपके पास कितने का रिकॉर्डेड है ये चीज? 15,500. पर अब इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 12,500. हम इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट पे या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे? लोअर ऑफ कॉस्ट. हाँ, जो दोनों में से कम होता है. आपने रिकॉर्ड किया हुआ है इसे 15,500. हम तो सबसे पहले तो कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करते हैं, पर इसको लेके जाना है 12,500 पे. क्यों? क्योंकि नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है. इन्वेंट्री की वैल्यूएशन लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है. तो क्या करूं मैं फिर? 3,000 माइनस. आप सबको लॉजिक समझ आया क्यों कर रहे हैं ये 3,000 माइनस क्यों हो रहा है? और हम जो लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम हो कैसे सकती है कॉस्ट से, ऐसे हो सकती है. जैसे ये केस देखो, मैंने एक गुड स्पेसिफिकली एक कस्टमर के लिए मंगाया, वो मैंने खरीदा 15,500 का. पहले संयम अपना डाउट पूछ ले, पूछो. ठीक है सर, ये वाला जो आप कह रहे हो लॉजिक नेट रियलाइजेबल जो भी है वैल्यू वाला, ये सिर्फ इन्वेंटरी पे ही लगता है ना? और किसकी बात कर रहे हो तुम? और मतलब नहीं, अगर जैसे कोई फिक्स एसेट है और उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है. मेरी बात सुनो, फिक्स्ड एसेट का AS अलग है. जो मैंने आपको रूल बताया है वो इन्वेंटरी का रूल है. इन्वेंटरी का रूल अभी हम AS 2 पढ़ रहे हैं. फिक्स्ड एसेट्स का PPE AS 10 है. वो जब पढ़ेंगे वो तब उसकी बात करेंगे. इसका रूल इन्वेंटरी का रूल इन्वेंटरी पे ही लगना है. ये कहीं और नहीं AS 13 में लगा दें, AS 10 में लगा दें, ऐसा नहीं होता. और दूसरा, ज्यादा है का क्या करना है हमें? हमें ज्यादा का तो कभी मतलब ही नहीं होता, जो आप पूछ रहे थे आगे. हमें देखना है कॉस्ट या मार्केट वैल्यू में से कम क्या है. जो कम है उस पर रिकॉर्ड कर लेंगे. बाय डिफॉल्ट जैसे ही चीज रिकॉर्ड होती है कॉस्ट पे होती है. अगर मार्केट वैल्यू उससे कम हो गई है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो उतना माइनस कर दो, वो पहुंच जाएगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे. पर यहाँ आपको समझना है हुआ क्या. वैसे ना भी समझ आए अगर मैथ भी कर दो तो भी आंसर जाएगा, पर समझना तो जरूरी है. हमने कोई चीज ऑर्डर करी है कस्टमर के लिए और वो हमने आज डिलीवर करनी थी 13 मई को, और ये स्पेसिफिक आइटम थी, इसी कस्टमर को चाहिए था और ये बिकता नहीं है नॉर्मली, तो मैंने इस कस्टमर के लिए मंगाया. ये मैंने खरीदा 15,500 का, तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि इससे ज्यादा मैं बेचूंगा इसको. पर वो सप्लायर ने मेरे को दिया ही नहीं आज के दिन, कस्टमर को आज ही चाहिए था. मेरे पास 3 दिन बाद आया, तो मैंने 3 दिन के बाद कस्टमर को कहा कि आपकी ये चीज आई है. उसने बोला मैंने तो 3 दिन पहले मांगी थी, अब चाहिए ही नहीं मेरे को. उसने डिलीवरी लेने से मना कर दिया. एंड ही इज राइट, उसने जिस दिन मांगा था उसी दिन तो डिलीवर करना चाहिए. पर अब मैं इस चीज का क्या करूं? सप्लायर भी वापस नहीं ले रहा. अब ये चीज कोई और, ये चीज ऐसी थी जो स्पेसिफिकली किसी को चाहिए थी, वैसे इसकी डिमांड होती नहीं. तो इस केस में अब मैं चाहे लॉस में बेचू, अब मैं सोच रहा हूँ 15,500 की खरीदी है, कोई नहीं ले रहा. जितने में भी बिके कुछ पैसे तो रिकवर हो, वरना तो पड़े पड़े वेस्ट है. तो इसकी मार्केट वैल्यू गिर गई. आपने रिकॉर्ड कर रखा है 15,500 जो कॉस्ट होती है. आपको करना है कम पे, जो भी कॉस्ट या मार्केट वैल्यू कम है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है, तो हमें इसे 12,500 पे लेके जाना है. तो 3,000 और माइनस कर देंगे. सर और एक बात और पूछनी थी, वो थोड़ा फालतू से डाउट है, तो भी पूछ लो एंड में. पूछो, वैसे मैं डिसाइड कर लूंगा कि फालतू है या नहीं. हाँ देखो, जैसे ये अभी लेट आया आपके पास प्रोडक्ट, लेकिन ये तो आपकी वैसे बिजनेस का ही काम है, तो अगर आपने जो आपको बेच रहा था जिसने लेट बेचा, अगर आप उसे सू करते हो कोर्ट पर, आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो एबनॉर्मल गेन होगा. इंटरेस्ट मिलता है? मैं नहीं समझा. मैंने उसे उस पे लॉ सूट फाइल किया, अब क्या इंटरेस्ट मिलता है? मतलब नहीं, मतलब आपकी कॉस्ट रिकवर होगी. आपको 3,000 का लॉस हुआ ना एक तरीके से. हाँ, तो अगर 3,000 आपको कोर्ट से मिल गए, तो वो एक तरीके से नॉर्मल गेन ट्रीट करा जाएगा या 3,000 माइनस नहीं होगा? उसी दिन हो गया ये सब. हाँ, अज्यूम कर लो.
नहीं आपको इन्वेंट्री की वैल्यू से मतलब है, बस उस इन्वेंट्री की वैल्यू, वो सप्लायर भी, आपको बस ये देखना है इन्वेंट्री बिक रही है या नहीं, इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं देखना, ठीक है? इन्वेंट्री मेरी तीन वो 12,500 में नहीं बिक रही, कॉस्ट से भी कम पे बिक रही है तो मैं उस पे वैल्यू करूंगा। अभी इसको माइनस करो इसमें से 9,000, तो ये हो जाएगा 16634310। हमारा आंसर क्या है? 1634310। अब क्वेश्चन ने ऐसे किया है कि शायद तुम्हें ना समझ आए, मे बी, पर अल्टीमेटली जो हमने ऐड किया इन्होंने भी वो ऐड किया, जो हमने सब्ट्रैक्ट किया इन्होंने भी वही सब्ट्रैक्ट किया। अब बुक समझा नहीं सकती, इसीलिए तो ट्यूशन लगाते हैं हम। तो समझने का लॉजिक इसका ये था, ठीक है? ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले आपने जो फॉर्मूला है, आप एक तरीके से ओपनिंग निकाल रहे हो, तो क्लोजिंग में COGS ऐड करके परचेज माइनस कर दी, और उसके बाद जो जो एडजस्टमेंट थी, कोई इन्वेंटरी की वैल्यू वो कह रहा है कम कर दो, इसकी बढ़ा दो, वो हमने कर दी। बढ़ाने को तो वैसे नहीं बोलेगा, कम जो भी बोली उसने, तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज एज ऑन 31 मार्च, ईयर क्या है 2020, जिस महीने से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है कोविड की। किसी को डाउट है? अब इन्वेंट्रीज में यही था, ये हमने खत्म कर लिया। कोई डाउट है तो पूछो। अभी तो नहीं सर। ठीक है, फिर आप ऐसा करोगे, ये क्वेश्चंस दोबारा से प्रैक्टिस करोगे और मैं इस क्लास को यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ताकि आप बाद में भी इसे देख सको, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा टफ है। इसके आरटीपी से भी हम क्वेश्चन करेंगे। अभी इसमें और कुछ आएगा कि हमने कुछ गुड्स कंसाइनमेंट पे भेजे थे, उनका क्या होगा, ऐसा भी अभी कुछ होगा, ठीक है? कुछ गुड्स हमने सेल और अप्रूवल बेसिस पे भेजे हुए हैं, रिटर्न और अप्रूवल बेस पे भेजे हुए हैं, तो इनका क्या होगा, ऐसी भी चीजें आएंगी, वो हम आरटीपी का क्वेश्चन है, वो भी करेंगे। पर ये बेसिक है, इसको आपको ध्यान से करना है हर केस, चाहे अब कोई, अब सर पता कैसे चलेगा क्वेश्चन इस मेथड से हो रहा है या एडजस्टेड सेलिंग प्राइस से हो रहा है, तो डेटा देख के ही समझ आएगा। क्वेश्चन में जैसा डेटा है वो मेथड आप लगाओगे, ठीक है? तो प्रैक्टिस करो हर टाइप के क्वेश्चन की। सर ये कौन सी बुक है जो आप बोल रहे थे? आरटीपी एक रिवीजन टेस्ट पेपर एक चीज होती है, वो इंस्टीट्यूट देता है। आप आरटीपी नहीं पता अभी तक आपको? हाँ, तो वो आरटीपी होता है, मैं वो बता दूंगा क्या होता है, ठीक है? चलो अभी के लिए बाय बाय, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। एक मिनट, ये खुद लेनी है या खुद दे देंगे? नहीं, वो दे देंगे। बाय बाय।